गाइस मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट यूट्यूबर भैया फुकरा इंसान, अरे नहीं नहीं सॉरी, वो मेरे भैया थोड़ी है, वो तो मेरे चाचू है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है कि फुकरा इंसान मेरे चाचू है एंड ट्रिगर इंसान मेरे पिता है। तो मेरे चाचू ने मेरे ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकाला है, क्या यार चाचू अपनी भतीजी को कौन ही डिस करता है, लेकिन अगर भतीजे के नाम पे व्यूज आए तो आई गेस करना भी पड़ता है। तो इन्होंने मेरे ऊपर डिस्ट्रैक्ट निकाला है, उनकी इसी डिस्ट्रैक्ट को हम लोग साथ में मिलकर सुनेंगे। मुझे लगता तो नहीं है सुनने लायक होगा, बट फिर भी सुन लेंगे, क्योंकि अभी तक मैं फुकरा इंसान को इग्नोर कर रही थी, या आए दिन मेरे ऊपर वीडियो बना देते थे, मैं इग्नोर कर देती थी, चलो छोड़ो यार क्या ही भाव दे किसी को, क्योंकि मैं सिर्फ भाई 10 मिलियन जिनके सब्सक्राइबर होते हैं उनसे ऊपर होते हैं, उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, उन्हीं को रिप्लाई करती हूँ। तो ये वीडियो बना देते थे, आए दिन मैं इग्नोर कर देती थी, बट फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अगर इनको इतनी ही तड़प है, देती हूँ रिप्लाई, आपकी भी मैं इच्छा पूरी कर देती हूँ, आपकी तड़प को मैं शांत कर देती हूँ। तो गाइस हम लोग साथ में मिलकर सुनेंगे क्या ही किया है फुकरा इंसान ने। सो मैंने तो यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मेरे को अपने कान से खून निकलवाने का कोई शौक नहीं है, बट फिर भी लोग बोल रहे थे कि भाई आप रिएक्ट करो, आपको क्या लगता है, उन्होंने आपको बहुत ऐसे ऐसे बोला है, ऐसे ऐसे बोला है बोल रहे थे। तो अब भी देख लेते हैं क्या क्या बोला है, अभी तक मैंने सुना नहीं है, बट हाँ बहुत अच्छे से लपेटेंगे भाई, सुनते हैं। डिस्ट्रैक्ट बनाया है भाई, आप समझ गए होंगे, आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट चाहिए क्रिएटर पागल। 0 रुपीज की वर्थ है पायल जोन की, लेकिन आपको लाखों रुपए कमवा दिए, 20 मिलियन व्यूज दिला के किसी और भी यूट्यूबर को लाखों रुपए कमवा दिए पायल जोन ने। क्या है ये, पूरी वीडियो तो मेरी चला दी स्टार्टिंग में ही, भाई इतना ही था तो मेरी वीडियो अपलोड कर देते अपने चैनल पे, मुझे तो तभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप मेरी पूरी वीडियो चला दो अपने चैनल पे, उसमें टाइटल में मेरा नाम लिख देना पायल जोन, तो आपके व्यूज वैसे भी आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में ही पूरी मेरी क्लिप लगा रखी है यार, तुम खुद अपना कुछ कर लिया करो, पता नहीं क्या है ये डिस गाना नहीं सच्चाई गाना है ये पागल जोन। आप क्या है, आप तो भाई कंटेंट के देवता है, मेरा कोई कंटेंट नहीं है भाई, मेरा कंटेंट क्रिंज है, और ये कंटेंट के देवता है, ये कंटेंट के राजा है, ये सब यूट्यूबर्स को कंटेंट देते हैं, खुद मेरी वीडियोस देख के हंसते रहते हैं। भाई बोलने से पहले सोच तो लिया करो, सोचते भी नहीं है कुछ भी बोलते रहेंगे कि भाई चलो बोल देते हैं कुछ भी। बस व्यूज के लिए देती है ये लोगों को मौत, ये बंदी रॉन्ग नंबर सबने मारी है। मैं लोगों को मार देती हूँ, ठीक है ओके, अब ये देख लेना भाई अगला नंबर आपका ही ना हो, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है अगला नाम का नंबर आपका ही होगा, आपके इसे खुद भी पता है तभी कमेंट्स है ऑफ। शुरू में थी टीचर साइकोलॉजी एंड लाइफ, फिर फाइनेंशियल वीडियोस और फेक एडवाइस, करियर था खत्म पूरा डेड, करियर एंड था, तो मैंने इन लोगों को रोस्ट करना चालू किया। अरे अपना करियर देखो, मैंने जितना किया है ना अपने दम पे किया है, चाहे मैंने पढ़ाई की वीडियो बनाई है, चाहे मैंने एडवाइस देने की वीडियो बनाई है, कुछ भी बनाई ना, अकेले बनाई है, अपने दम पे बनाई है, कोई गॉडफादर नहीं था मेरा तुम लोगों की तरह, ठीक है। तुम्हारा खुद का चैनल दूसरों के नाम पे चलता है, तुम खुद मेरे को वीडियो बना बना के व्यूज लेते हो, तुम खुद ट्रिगर्ड इंसान ने तुम्हें प्रपोर्ट किया इसलिए तुम आज यहाँ पे हो, तुम खुद को तो देखो, तुम्हारा गॉड फादर है यूट्यूब पर इसलिए तुम आज यहाँ तक पहुंच पाए हो, वरना यहाँ तक भी नहीं आते आप फुकरा इंसान, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप यहाँ तक भी नहीं आते, आपके 3 मिलियन के 1 मिलियन भी नहीं होते। तो अपने ऊपर इतना घमंड मत करो हम जैसे लोगों के लिए कि भाई हमने जो कुछ किया ना अपने दम पे किया है, कोई गॉडफादर नहीं था, हमारे बड़े भाई का चैनल नहीं था यूट्यूब पे, हमारी दीदी का चैनल नहीं था जिसने हमें प्रमोट कर दिया, जो भी किया अपने दम पे किया है, खुद से किया है। अब बहुत गर्व से बोलती हूँ मैं ये बात, जो कि आप अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते। सीन फिर चालू, अनशन सी बात दीदी कर लो डिसाइड, हम यूट्यूबर्स के नाम से ही घर तेरा चल रहा, यूट्यूबर्स के नाम से मेरा घर चल रहा है ओके, खुद का तो देख लो, इनके भाई खुद दूसरों को रोस्ट करके व्यूज लेते हैं, लेकिन मेरा घर दूसरों के नाम से चल रहा है, यार क्या करूं यार, आपके लिए तो स्लो क्लैप्स होनी चाहिए, खुद मेरे ऊपर इतनी वीडियोस बनाते हैं और मुझे बोल रहे हैं, सीरियसली ब्रो। सच है ये गाली देके कोई फल रहा है, बेटी है नालायक तेरे घर वालों को खल रहा है। हाँ मेरे घर वालों को तो बहुत खल रही हूँ यार मैं, आप इतने इंटेलिजेंट है ना यार, जो भी तो आप यूट्यूब पे आके वीडियो बना रहे हैं ना, वही सारे इंटेलिजेंट लोग यूट्यूब पे आके वीडियो बनाते हैं, ये तो मैं समझ गई यार, किसी को नौकरी नहीं मिलती। सबको सच बता दो, सीना जल रहा है, पायल जोन नहीं तू है पागल जोन, इस गाने के बाद तेरा करियर है गॉन। गाइस फुकरा इंसान ने बोला है वो मेरा करियर एंड कर देंगे, अब मैं क्या करूं गाइस, अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो लग रहा है मुझे भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, जिस तरीके से ट्रिगर इंसान ने बोला है मेरा करियर गॉन है, ओह माय गॉड गाइस, इस गाने के बाद तेरा करियर है गॉन। पागल जोन बोला है मेरे को पूरी वीडियो में लाइक करें, इनवाइट किया
कितना ही गिर सकता है सीरियसली। इन्होंने मेरे को पायल जोन बुलाया है एंड फिर अपने पैर दबवा रहे हैं, मतलब पायल जोन एक लड़की से ही अपने पैर दबवा रहे हैं। सीरियसली यार ग्रो अप। तुम्हारे लिए लड़कियां सिर्फ इसीलिए है ना कि तुम्हारे पैर दबाए, घर पे खाना बनाए। अपनी सोच बदलो यार, दुनिया बहुत आगे निकल गई है फुकरा भैया। यार कितना गिर सकता है कोई, मेरे को दिखा रहे कि मैं इनके पैर दबा रही हूँ। हालत तेरी देखी फेल्ड लाइक सिंपति, फिल्टर लगा ले फिर भी लगती है दुर्गति, बहुत फटी तेरी सुन के फुकरा इंसान। मेरी तो बहुत फट गई यार, फुकरा इंसान का नाम सुन के मेरी फटती है यार। मेरे चाचू है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए बंदा तेरा चाचू है मुझको पहचान। कभी फ्लाई है ओपी, कभी कहती है खराब, तूने इतनी पी रखी ना उतरे शराब, और बोलू तो फिर नारी शक्ति जिंदाबाद, क्या है मेंटली रिटार्डेड, दे दे अब जवाब। यार मैं पागल हूँ, आप बहुत होशियार है फुकरा इंसान, एंड मेरा तो कोई यार आपके सामने मैं स्टैंड ही नहीं करती हूँ यार, मैं कहीं स्टैंड ही नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे को इग्नोर करो आप। कहती के गाड़ी में ट्रिगु के साथ नाइट आउट, चुप तो मैं हूँ पर सब देख रहा हूँ, कुछ भी तू बोलती है पागल सी लड़की, तू फेंकती रह चल मैं लपेट रहा हूँ। ये दूसरा के आर के जस्ट गेटिंग ओल्ड, पूरी लाइफ के को भी रोस्ट कर रहे हैं इसी गाने में, मतलब इतना भी बजट नहीं था कि केआर के लिए दूसरा डिस बना दे, मतलब बजट क्या बजट, तो इनका जीरो रुपए का खर्चा है, इन्होंने खुद ही बोला है, और इनके पास पैसा था भी नहीं लगाने के लिए। दूसरों को गरीब गरीब बोलते हैं, पिछले वीडियो में मुझे बोल रहे थे कि पायल जोन के पास तो पैसे ही नहीं है, पायल जोन के पास गाड़ी ही नहीं है, इस तरीके की बातें बोल रहे। भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, आप अपना देखो, अपना देख लो। तेरी वेस्ट चैन, आई एम गेटिंग बोर्ड, इनकी बातें ना डिजर्व, ज्यादा करती अटेंशन, तभी दूसरे चैनल पे डिस किया अपलोड। पायल जोन क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें खुद भी पता है क्या है यार, तुम अपने दिमाग में पट्टी वट्टी लगाओ, थोड़ा आराम करो है ना, क्योंकि तुम्हें उसकी बहुत जरूरत है। क्या किया है ये, गाना खत्म हो गया, क्या बनाया था ये, सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं तू है पागल जोन, इस गाने के बाद तेरा करियर है गॉन। पायल जोन नहीं तू है पागल जोन, इस गाने के बाद तेरा करियर है गॉन। मैडम और इनका थंबनेल देख लो भाई, थंबनेल लगा के तो पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, मतलब इन लोगों को लगता है ना यार कि ये कहीं के बहुत ज्यादा स्टड हैं एंड यूट्यूब के देवता हैं एंड सब लोग इनसे डर के रहेंगे। तो ये तो आप भूल जाओ कि मैं आपसे डरूंगी, कोई और डरे या ना डरे मुझे किससे मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है, एंड आई डोंट केयर, ना मेरे को आपसे डर लगता है ना मुझे फर्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। आप इसके बाद भी मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 वीडियो बनाओ, 20 वीडियो बनाओ, अपना चैनल भर दो, और वीडियो बनाओ भी मत, मेरी वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाल दो, मेरे को तभी भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे फर्क पड़ेगा आपके डिस से या आपके रोस्ट से, आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट केयर, गेट अप, ठीक है, कुछ करो अपनी जिंदगी में, मेरे को टारगेट करने से अच्छा कुछ अच्छा काम कर लो, कुछ सिखा लो, कुछ पढ़ा लो, आप भी पढ़े लिखे होंगे वही पढ़ा लो दूसरों बच्चों को, ऐसे नहीं होता है कि अपने चैनल पे बैठ के बेइज्जती करने लग जाओ दूसरों की। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? वैसे गाइस इनको समझाने से कोई फायदा है नहीं, ये बिल्कुल ही डम है, एकदम बुद्धि खत्म है इनकी, तो मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, वो इनको डिस देख के पता लग रहा था, मतलब सीरियसली यार, मतलब यार ये सीधा ना आप देखो, इन्होंने ट्रिगर्ड इंसान को मेरे पापा बताया, अब ये क्या कहना चाहते थे आप लोग समझ ही गए होंगे, सीधा मेरी फैमिली पे चले गए ये, मतलब यार सीरियसली आज तक तुमको एक गाली नहीं दी मैंने, और तुम यार इस तरीके की बातें बोल रहे हो कि फुकरा इंसान मेरे पापा है। बट गाइस मैं कुछ नहीं बोलूंगी, फिर बोलते रोती रहती है, ये करती है, एक्टिंग करती है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जस्ट तुम्हें ग्रो करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, एंड नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हो आप, तो इस चीज को हमेशा याद रखना, किसी दूसरे बंदे को बोलने से पहले कि दूसरे बंदे का चैनल कैसे चल रहा है, आपके तो प्रमोट करने से चल रहा है, हमारा तो बिना प्रमोट किए चल रहा है भैया, किसी ने हमें प्रमोट नहीं किया, हमारे कोई गॉड फादर नहीं है, लेकिन आपका तो नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है आप, और वही रहेंगे, मेरे से यहाँ लिखवा लो आप नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है, एंड तीसरा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद 10 वीडियो और बना दो, आई जस्ट डोंट।